हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सब ने मुझे इतनी सारी विशेष दी उसके लिए दिल से आप सबका थैंक्स करती हूँ। और हाँ, आज की वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। और फाइनली आज हम लोगों को ध्यान आ ही गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हम लोगों को नहीं, एक्चुअली मुझे ध्यान आ गया, आपके भैया को तो ना जब हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कर ली तब भी उनको नहीं पता पड़ा था कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। और यहाँ पर हम लोग चोरी छुपे यहाँ पे कर रहे हैं अपने रूम को डेकोर, जय को बहुत बड़ा वाला सरप्राइज देने के लिए ताकि वो एकदम शॉक हो जाए। खुद ही की शादी की सालगिरह में खुद ही सरप्राइज दे रहे हैं, ऐसे इंसान मिले तैयार हो रही हूँ। टीचर्स मेरे रूम सजा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। पता है, मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन करके घर पे बुलाया और जय खुद उनको लेकर आए, फिर भी जय को याद नहीं आया। मुझसे पूछ रहे थे स्टाफ को घर पे क्यों बुलाया, मैंने कहा मुझे कुछ काम है, एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, प्रिपरेशन करवानी है पेपर वगैरह की, इसलिए मैंने स्टाफ को बुलाया है। इस तरह से कह के मैंने जय से झूठ बोल दिया और वो इतने सीधे हैं कि सच में तब भी उनको याद नहीं आया कि कुछ हो सकता है। इस तरह से रिनु तो घर पे कभी किसी को नहीं बुलाती है। और यहाँ तक कि हमारे सर भी एक आ चुके थे, उनकी बाइक भी बाहर खड़ी थी, उनके शूज भी बाहर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जय को नहीं पता पड़ा कि घर में क्या चल रहा है। और घर में इतने मेंबर मौजूद थे और उनको बिल्कुल भी अंदेशा भी नहीं हुआ। मैंने इतना कह दिया था कि मैंने स्टाफ को बुलाया है, लड़कियां आने वाली हैं और हमारा कुछ पर्सनल काम है, तो तुम घर से बस बाहर वाले रूम में बैठे रहना। और यहाँ तक कि जय अभी बाहर वाले रूम में बैठे थे लिविंग रूम में और हम लोग अंदर इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माइंड नहीं लगाया कि कुछ हो सकता है। मैंने यही बोला कि है तुम्हारे घर में मैं कुछ भी करूँ तो तुमको यही नहीं पता पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ पर है ना अभी मैं हो रही हूँ रेडी फटाफट से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा तो अपना ही शकल मैं सुधार ही लूँगी। और सच बताऊँ तो ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग चोरी छुपे सारे काम कर रहे थे, जय को कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस बहाना ये लगाया था कि मैं जो स्कूल की लड़कियाँ हैं मैं उनका फेशियल कर रही हूँ, उनका वैक्स वगैरह कर रही हूँ, तो तुम रूम के अंदर मत आना, बस मैंने ये बहाना लगाया था। तो बेचारे इतने सीधे हैं जय कि इस बहाने को सच मान गए और बिल्कुल भी रूम के अंदर आए ही नहीं, बोलते हैं अब मैं क्या करता, लड़कियों का काम था तो फिर मैं बाहर ही बैठा रहा। और आराम से ना वो मूवी एंजॉय कर रहे थे। और तब तक यहाँ पे हम लोग फटाफट से हो गए रेडी। और आज मैंने बालों में ना हल्की सी क्रिम्पिंग कराई थी, कर ली थी, खुद ही कर ली थी, क्रिम्पिंग करी थी और थोड़े से बाल मैंने किए थे स्ट्रेट, लेकिन मॉर्निंग में किए थे ना तो दोपहर होते होते वो थोड़े से ख़राब हो गए क्योंकि मैंने हेयर स्प्रे वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं किया था, नॉर्मली ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लिए थे इसलिए। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लगाई और सिंदूर बिंदी, दैट्स इट। मैंने पता है इयरिंग वगैरह भी चेंज नहीं की थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जय को पता पड़ जाए, हमारा सरप्राइज बेकार हो जाए, लेकिन हमारी मेहनत है ना सफल हुई। मैं तो ये सोचती रहती हूँ बार बार कि जय को बिल्कुल भी याद नहीं आया, घर में इतना सब कुछ हो रहा था तब भी उनको याद नहीं आया। और आप लोग भी वीडियो देखकर यही सोचोगे कि दी आपके घर में इतना सब कुछ हो रहा था और सच में भैया को कुछ पता नहीं पड़ा, तो सच में डियर उनको बिल्कुल भी नहीं पता पड़ा। और अभी ना मैं जल्दी से इस रूम में तैयार हो रही थी, तब तक टीचर्स है ना मेरी वो बलून वगैरह रेडी कर रही थी, टेबल पे केक वगैरह रख रही थी। और मैंने कहा कि मैं फटाफट से बस सिंपल सी साड़ी पहन के ऐसे ही जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल ही थी, मैं जानबूझ के नॉर्मल थी कि जय को कहीं पता ना पड़ जाए, उनको अंदेशा ना हो जाए। और बस 10 मिनट के अंदर मैं फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो इतना तो मैं सिंपल घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई।
इसी वजह से आप लोगों को मैं ना बहुत ज़्यादा तैयार नहीं दिखूंगी, क्योंकि सारे जो काम है ना वो हमारे चोरी छुपे हो रहे थे कि जय को पता ना पड़ जाए। और सच बताऊँ आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे बुखार भी था, मुझे गैस की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन फिर भी अपने घर का माहौल अच्छा करने के लिए और थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए हम लोगों ने ये मेहनत की, क्योंकि मुझे पता है कि जय ऐसे ही हैं, उनको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो करते हैं, सब कुछ है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन बस वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना खो जाते हैं ना कि इन सब चीज़ों के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, उन्हें याद ही नहीं रहता। यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी और हमारा रूम भी हो चुका है डेकोर। स्टाफ ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से रूम को डेकोर किया और बिल्कुल चोरी छुपे करना था ना, बिल्कुल कोई बोल भी नहीं रहा था, धीरे धीरे आपस में बोल बोल के काम कर रहे थे ताकि जय बाहर बैठे हैं तो कहीं उनको पता ना पड़ जाए। यहाँ पर है ना फटाफट वाला जो रूम होता है ना वो डेकोर कर दिया और इसके बाद हम लोग जय को देने वाले थे सरप्राइज़, लेकिन वो भी हमारा बहुत लाइट रहा क्योंकि है ना एकदम से जय को बुलाना भी ठीक नहीं था। मैंने कहा चलो अब रूम रेडी हो गया है, मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, तो चले अब ना हम लोग जय को बुलाते हैं। तो यहाँ पर अब जय को बुलाने की तैयारी चल रही है, जय अभी बाहर वाले रूम में बैठे हैं, तो मैंने कहा फटाफट से रूम को ना दरवाज़ा खोलते हैं और जय को बुलाते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला कि अरे नहीं टीचर्स, आप लोग भी थोड़ा सा तैयार हो जाओ क्योंकि अभी होली का टाइम है, सब लोग होली खेल के आए थे, देखो कलर वगैरह कितना बालों में लगा हुआ है। तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा अपने आप को भी सुधार लो कि हम है ना पिक्चर क्लिक करने वाले थे। और ये जो है ना दीपा, ये मेरे स्टाफ में सबसे उद्यमी लड़की है, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जय को बुलाने वाले हैं। बोलो ऐसे इंसान है, इनको यही नहीं पता कि आज शादी की सालगिरह है। लास्ट ईयर भी पता भूल गए थे, लास्ट ईयर मैं भी भूल गई थी, आज मुझे सुबह याद आया 9 बजे जब मैंने डेट देखी। तो मैंने जय के कपड़े ऑलरेडी रेडी करके रखे थे और मैंने कहा कि फटाफट से कपड़े चेंज करो, वो खुद खुश हो गए। वो सब मैंने कहा था ना आपसे कि सच में उनको कुछ नहीं पता पड़ा। अब वो रेडी हो चुके और यहाँ पर अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है। हम लोग है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत वो कहते ना इन्जॉय अपने स्टाफ के साथ हो रहा था, हंसी मजाक मस्ती, तो अच्छा लगा, सब लोग आ गए, इन्जॉय किया। और ये सारी प्लानिंग मेरी ही थी और मैंने कहा कि और तो मैं किसी के साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना नहीं है, मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, तो मैंने मेरे स्टाफ को ही बुला लिया क्योंकि मेरे स्टाफ के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एज अ फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं एज अ फ्रेंड, एज अ भाभी की तरह उन सबके साथ अपना मेरा बिहेवियर है उन लोगों के साथ, और वो भी मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी मेरे घर की लड़कियाँ मेरे साथ रहती थी। अब मैं बस इन लोगों में ही खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरे स्टाफ से ना मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती है। यहाँ पे अभी भी देखो उदम मस्ती चल रही है। मैंने कहा कि मुझे तुम केक कट करने दोगे या नहीं दोगे, और जय मेरे नाम का जयकारा दे रहे थे, रेणु माता की जय। बोले तो सारी तैयारी तूने की है तो तेरा ही मैं जयकारा देने वाला हूँ। यहाँ पे अभी उदम मस्ती हो रही है, इंजॉय हो रहा है, उसके बाद फिर हम सब लोग मैं और जय करेंगे केक कटिंग। आप लोग भी आइए हमारी शादी की सालगिरह में शामिल होइए और इंजॉय करिए क्योंकि आप भी मेरा परिवार है, आपके बिना तो सारी खुशियाँ अधूरी हैं। ले जाओ उधर।
दारू तो ब्रेंड करा अगर फ्रेंड में आप मत करो तो भाई मेरे स्टाफ में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से रूम को डेकोर किया। सो यहाँ पर सर है ना, जो वो केक नहीं खाते हैं, वो प्योर पंडित हैं, बिल्कुल बोलते हैं नहीं मैं बाहर के केक है ना ये वाले नहीं खाता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं नहीं खिलाती हूँ, लेकिन हमारी मैडम इतनी शैतान है, उन्होंने ना पूरा का पूरा केक है ना सर का केक से बिगाड़ दिया। अब मैं मोलू को केक खिलाने गई तो वो अपनी टी शर्ट में से कटोरी निकाल के दे रहा है कि मैं तो इसमें लूंगा इतना सारा लूंगा। तो मोलू ने ऑलरेडी कटोरी अपनी टी शर्ट के अंदर रख रखी थी। तो यहाँ पर हमारा जो खेलना कूदना है वो होता है कंप्लीट, क्योंकि सच बताऊँ यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं था घर पे, इसलिए ना थोड़ी पार्टी हमारी अधूरी सी रही। मैंने बोला कि घर की बजाय मैं तो स्कूल में मनाया करूँगी, स्कूल में ना चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर अभी जय की एक्टिंग उतारी जा रही है कि मैं होली नहीं खेल रही थी, मैं बीमार थी, तो जय किस तरह की एक्टिंग कर रहे थे, किस तरह से नाराज़ होकर लेटे हुए थे, तो वो सारी एक्टिंग कर करके मैं भी इनकी बता रही हूँ। और जब हमारा स्टाफ इकट्ठा होता है ना तो हम लोग बहुत उदम मस्ती करते हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो मुझे तो सच बताऊँ परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती अब तो। पहले मैं क्या करती थी कि मैं अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती थी और अपनी खुशियों को साइड में रखती थी, लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि जो मेरे पास है, जो मेरी हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है वो मेरा अपना है, और जो मेरे पास होकर भी मेरा अब नहीं है तो उसको अब मैं छोड़ दी जा रही हूँ। और इसी वजह से मेरी लाइफ में अब है ना खुशियों की कोई कमी नहीं है, मैं अपने हर पल में खुश रहती हूँ, चाहे मेरा फिर वो स्टाफ हो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे मेरे कोई भी रिलेटिव हो, जो मेरे साथ रहता है मैं उसके साथ अपनी खुशियाँ मनाने में व्यस्त हो जाती हूँ। अब मैं किसी भी परिवार के मेंबर के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ मान ली है कि जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम अपना दिमाग क्यों ख़राब करें, हम अपने पलों को क्यों ख़राब करें, उनके पीछे जाने दो, जो छोड़ रहा है उसको छोड़ने दो। और हम अपने स्टाफ के साथ रहते हैं बिल्कुल मस्त। पहले मैं क्या करती थी, अपने घर की लड़कियों को बुलाना ज़्यादा प्रेफर करती थी कि नहीं अपने घर की लड़कियों को बुलाऊंगी, लेकिन जब सब लोग इतना घमंड दिखाते हैं तो मैं अपने स्टाफ के साथ ही बहुत मस्ती करूंगी। ये देखो मेरे चेहरे नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, प्लीज दीपा सही में बहुत उदमी है दीपा भाई। उसे पूरी सर के चेहरे पे तो फोड़ दी, देखो तो हमारे ये जो सर है ना ये पंडित हैं और ये बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, केक वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। बस इसी वजह से दीपा ने इनका फेस बिगाड़ दिया था, बोल रही थी कि सर आप केक नहीं खाते ना, इसलिए मैं आपको टेस्ट करा रही थी कि केक का टेस्ट कैसा होता है। तो इतनी उदम मस्ती करी, बोलते हैं म्यूजिक तो है नहीं या घर में कुछ भी, तो चलो ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं। तो कहते हैं इन छोटी छोटी खुशियों में भी है ना अपनी खुशियां मैं कहीं ना कहीं ढूंढ लेती हूँ। कम से कम उन लोगों ने इतनी कोशिश तो की कि हमारे ये इतना ख़ास दिन हमारा एकदम सिंपल सा नहीं गुजरा। और यहाँ पे ना निशा जो है मेरी डांस टीचर, वो अपने सर को डांस सिखा रही थी कि सर प्लीज़ डांस सीखिए और मैडम के साथ में डांस करिए, मैं जय को बता रही थी। और मैं निशा से कह रही थी कि सर ऐसे डांस कर रहे हैं मेरे साथ जैसे कि मेरे साथ फाइट कर रहे हो, तो वो फिर से सिखा रही है कि जय सर आप ऐसे स्टेप करिए। सो मैंने कहा कि जय डांस के चक्कर में ऐसा ना करना कि मेरे हाथ पैर तुम कहीं तोड़ दो, क्योंकि जय को बिल्कुल भी डांस आता नहीं है। और मैंने कहा वैसे भी अब मैं मोटी हो गई हूँ, तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, गिर गई तो हाथ पैर और टूट जाएंगे, कोई काम करने वाला भी मौजूद नहीं है। तो हम लोग बस अभी है ना थोड़ा म्यूजिक चला के ऐसे ही उदम मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोला छोड़ो डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही थी हमारी टीचर्स की मेहनत, जो उन्होंने हमारी शादी की सालगिरह पे किया, बहुत अच्छे से रूम को डेकोर किया, बहुत मेहनत की, उसके लिए मैं अपने स्टाफ को दिल से थैंक्स बोलती हूँ। और बस अब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं सबके सब, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे, तो ज़्यादा देर उनको इस तरह से घर पे रखना भी ठीक नहीं है। लेकिन वो लोग सुबह के आए थे 1 बजे के, खाना पीना सब मेरे घर पे ही हुआ था, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने सूट नहीं की क्योंकि हम लोग जय को बताना नहीं चाहते थे कि क्या रीज़न है। मैं मम्मी पेट काट दे चलो।
वो दीपा दीदी वो रही, वो निशा दीदी वहां गई। तो हम लोगों ने कुछ फोटोज क्लिक किए थे, तो इस साल की हमारी शादी की सालगिरह ऐसी रही, बिल्कुल चोरी छुपे एंजॉय करना पड़ा जय की वजह से, लेकिन मुझे तो इसमें भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखिएगा।